और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। सीधे मौके से ही जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से कि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, उस सबसे इतर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही ज्ञानेंद्र की आखिरकार बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा? रोमाना, जो कुछ देर पहले आप कह रही थी ना कि लापरवाही का मसला है, ये सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है। जिस वक्त बच्ची, मैं बार बार जब भी आपसे बात कर रहा हूं या लाइव बता रहा हूं इस खबर के बारे में, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जब बच्ची वीडियो बनाकर ये कह रही थी कि जिस तरह से मैं तड़प रही हूं, इससे ज़्यादा खतरनाक मौत उस शाहरुख को मिलना चाहिए जिसने उसकी ऐसी हालत बनाई है। टाइमिंग को लेकर सवाल है, कहाँ थे तब? यही बन्ना गुप्ता जो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तब कहाँ थे बन्ना गुप्ता साहब आप? तब आप लतरातू डैम में अपने मुख्यमंत्री के साथ और तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। बसंत सोरेन उस इलाके के विधायक हैं और ये सब लोग पिकनिक। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है और मैं कल से कह रहा हूं इस बात को कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप संवेदनशील हैं, बीजेपी क्यों ना सियासत करे। बीजेपी को सियासत करने का मौका किसने दिया? आपने दिया है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके ट्विटर हैंडल से आप कह देते, ये निर्देश दे देते। आखिर क्यों हिंदू संगठनों को के लोगों को पैसा इकट्ठा करना पड़ा? मैं रघुवर दास जो कह रहे हैं, मैं हिंदू मुसलमान में रोमाना नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सोचिए जब एक लड़की को घर में घुसकर कोई जिंदा जला दे, उसकी मौत हो जाए 5 दिन तक और रांची के रिम्स में वो भर्ती रहे, तो सरकार किस काम की? सरकार क्या कर रही थी? अपने कुर्सी के पायों को बचाने में लगी हुई थी। सरकार के मंत्री एसी कमरों में बैठकर ये रणनीति बना रहे थे कि आखिर कैसे सरकार को बचाया जा सके। कल आए 3-3, 4-4 मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता को संबोधित किया, उसी जनता को संबोधित किया और उसी जनता से ये कह रहे थे कि खरीद फरोख्त हो रही। एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। तब आप कह सकते थे कि उस बेटी जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है रिम्स में, उसके साथ भी ये सरकार है। एक मंत्री चला जाता, वहां देख लेता और ये ढाढ़स दे देता उसके माँ बाप को कि नहीं, यहाँ से एयरलिफ्ट कराकर, जिसको लेकर रघुवर दास सवाल उठा रहे हैं कि आप एक दूसरा व्यक्ति होता है उसको आप एयरलिफ्ट कराकर ले जाते हैं दिल्ली, तो इस लड़की को क्यों नहीं? रोमाना, जिंदा जलाया गया है, जिंदा जलाया गया है। और एबीपी न्यूज लगातार इस खबर में इसलिए है कि अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई किसी के घर में घुस जाए और उसको जिंदा जला दे, उसकी मौत हो जाए और सरकार के लोग पिकनिक चले जाएं। और उस इलाके के जो विधायक हैं बसंत सोरेन, वो ये कहें कि हम पिकनिक मना रहे हैं। प्रतिभा मिश्रा से जब बात कर रहे थे तो ऐसे मुद्रा में बात कर रहे थे जैसे मान लीजिए कोई जश्न मनाने जा रहे हों। आप उस इलाके के विधायक हैं बसंत सोरेन साहब, आपके परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया है। दुमका के लोगों ने क्या किया? आपने क्या फर्ज निभाया? और एबीपी न्यूज का सवाल यही है कि अगर अगर असंवेदनशील घटना होगी तो जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा इसलिए एबीपी न्यूज लगातार जनप्रतिनिधि से, लोकतंत्र में चुने हुए इन जनप्रतिनिधि से रोमाना सवाल कर रहा है। ज्ञानेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं ना, दरअसल मुद्दा यही है, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है, इसीलिए सरकार से सवाल है। और सवाल पीड़िता का है, सवाल पीड़िता के परिवार का है, सवाल पूरे समाज का है और सवाल प्रदेश के हर एक नागरिक का है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए ही नेता हर वक्त व्यस्त नजर आएंगे। जो बात आप कह रहे हैं ना कि साहब जिंदा जला दिया गया लड़की को, पेट्रोल छिड़क कर तड़पती रही, वो रिम्स अस्पताल में थी और इतनी फुर्सत सरकार में किसी को नहीं मिली कि कम से कम बेहतर इलाज ही उसको मुहैया करा दिया जाए। जो रोमाना, बिल्कुल इसी बात पर सियासत हो रही है। और मौका क्यों मिला? 22-23 की घटना है, मौका बीजेपी को क्यों मिला? जब ये लड़की कराह रही थी, जब ये लड़की का वीडियो बन रहा था और जब ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत मिले उस शाहरुख को, उसी समय की बात है, उसी दिन की बात है कि उस समय सरकार के लोग इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे कुर्सी बची रहे, राज्यपाल पर सवाल उठा रहे थे, खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे और उस वक्त उस लड़की का शव दुमका जा रहा था। यह अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डीसी ने आश्वासन नहीं दिया है घर वालों को कि फास्ट ट्रैक में इस पूरे केस को चलाया जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मुआवजे का आश्वासन नहीं दे रहे हो, 3000 फोर्स को बुलाकर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था उस दिन आपने नहीं लिया और इसलिए लड़की को बचाया जा सकता था। अगर इससे बेहतर इलाज दिया जाता तो लड़की को बचाया जा सकता था। 90% से ज्यादा वो जल चुकी थी। जो प्रयास नाकाफी हुए हैं रोमाना, जो आप पहले सवाल पर सवाल उठा रही हैं। पहली बात से कि लापरवाही का मसला है, मैं भी उसी पर सवाल उठा रहा हूं कि जो प्रयास हुए वो नाकाफी हुए, जिसकी वजह से आज वो लड़की हमारे बीच में नहीं है। और जिसको लेकर ज्ञानेंद्र, मुद्दा तो यही है ना कि साहब कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी भूल गए। क्या फायदा ऐसी सत्ता, ऐसी कुर्सी का, अगर आपको फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं नागरिकों की, और इस तरीके से तड़प तड़प कर कराह कर एक बेटी ने अपनी जान दे दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।